चलिए आज जानते हैं अग्रवाल समाज के इतिहास के बारे में। अग्रवाल समाज भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण जाति समूह है, जिसका इतिहास विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ है। अग्रवाल शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है अग्रिसेन का उत्तरी पुत्र। अग्रवाल जाति का इतिहास समृद्धि, व्यापार और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ जुड़ा है। अग्रवाल समाज का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस समय वे व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में अग्रणी थे और विभिन्न यात्राओं के माध्यम से व्यापार करते थे। मध्यकालीन युग में भारतीय समाज में अग्रवाल समाज का महत्व और बढ़ गया। वे व्यापार, वित्त और शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास वाणिज्यिक ज्ञान और व्यावसायिक बुद्धि की अच्छी संपत्ति थी, जिससे उन्होंने अपने समाज को समृद्धि में मदद की। मुगल सम्राट अकबर के समय से अग्रवाल समाज को बनिया जाति के तौर पर जाना जाने लगा, जो कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। नवीन युग और आज का समय क्या है? आज के समय में अग्रवाल समाज विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान को जारी रखता है। वे व्यापार, वित्त और उद्यमिता के क्षेत्र में सक्रिय है। उनके पास व्यापारिक ज्ञान और नेटवर्क होने के कारण वे आज भी बड़ी संख्या में उद्यमिता में योगदान दे रहे हैं। समाज सेवा भी अग्रवाल समाज के लोगों का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट चलाए हैं। समारोह और पर्वों में उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण हैं, जो उनके समाज की एकता और आत्म पहचान में मदद करती है। इस रूप में अग्रवाल समाज का इतिहास व्यापार, सेवा और सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनके समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ है। अश्वनी बंसल, कार्यकारी प्रधान श्री अग्रवाल सभा सिरसा। हाँ मैडम, जो इस बार जो अग्रसेन जयंती बनने जा रही है सिरसा में, हर साल की तरह पिछले काफ़ी सालों से बनते आ रही है, इस बार एक नया रूप है, बहुत भव्यता है जयंती के अंदर। शोभा यात्रा भी बहुत भव्यता है। अपनी शोभा यात्रा महाराज अग्रसेन पार्क से शुरू होगी और भिन्न भिन्न बाजारों से होती हुई चिड़ावा वाली धर्मशाला में समापन होगा 14 तारीख को और 15 तारीख को अपन निशुराज का प्रोग्राम है। जैसे भी जो व्यवस्था रही है सुबह डांडिया की है, जो हमारे प्रधान जी बता रहे थे, और स्टॉले वगैरह हैं, रात का नाइट कल्चर प्रोग्राम है। तो ये मैं सारे शहरवासियों को ये आमंत्रित करना चाहता हूँ अग्रवाल सभा की ओर से, बतौर कार्यकारी प्रधान भी, शहर के सभी अग्रवाल बंधु बढ़ चढ़ कर इस जयंती में भाग लेवें। शोभा यात्रा में इस बार हमारे साथ महिलाएं बहुत सहयोग करेगी, महाराजा कृष्ण जी की ध्वजा लेकर साथ चलेंगी, और डांडिया भी रहेगा और साथ में नफीरी है और ढोलता शहबदी, बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है और इस बार अलग सी लुक होगी। और हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बनता रहे हर साल की तरह, और हर साल नया प्रोग्राम बेहतर बने। तो समाज से यही है विनती है कि सब लोग अपने आएँ और बढ़ चढ़ कर भाग लें, जयंती की शोभा यात्रा को रौनक बढ़ाएँ, और सभी लोग सभी को अग्रसेन जयंती की एडवांस में बहुत बहुत बधाई, जयंती की शुभकामनाएं। जय महाराजा अग्रसेन जी की। महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या अपील करना चाहते हैं अग्रवाल निवासियों से? मैं तो मेरे अग्रवाल बंधु से सभी से यही कहना चाहूँगा, इस शोभा यात्रा में वह अगले दिन जो हमारा निशुराज में प्रोग्राम है, सभी परिवार के घर में कोई भी ना रहे, सब वहाँ जाए ज़्यादा पहुँचे। इस बार महिला विंग पहुँच रही है, इस बार नारी शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने समाज में बोल भी रहे हैं और घर जाके कह भी रहे हैं कि आओ, पता चले वो एक दूसरे से मिलेंगे और ज़्यादा परिचित होंगे एक दूसरे से, हमारा तो यही है समाज के लिए। और उसके बाद नवरात्रों में कि मैं सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं, माता रानी सबकी कृपा बनाए रखे। नाम सुशील जोत्रा, मैं अग्रवाल सभा की तरफ से सभी अग्रवाल बंधुओं को अग्रवाल जयंती के लिए 14 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलेगी उसके लिए आमंत्रित करता हूँ कि सह परिवार सारे शोभा यात्रा में पहुँचें, और 15 तारीख को निशुराज में जो प्रोग्राम है लेडीज़ विंग का, उसके अंदर भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। और इसमें गर्व की बात है, हम सब बणिए भाई हैं और बणियों का समाज है, सब साथ जुड़ेंगे, सारे आएंगे, इसमें सबकी एकता और सबका बल दिखेगा। जय महाराजा अग्रसेन जी की जय।